एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार थी। कांग्रेस की यात्रा के थीम सॉन्ग चलो चलो पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जनता प्रदेश से कांग्रेस को चलता कर देगी। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चचा जान दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान से इतना प्रेम है कि यात्रा का थीम सॉन्ग चलो चलो भी उन्होंने पाकिस्तान से लिया है। चलो चलो में पहले 28 विधायक चले गए, फिर सरकार चली गई, फिर कांग्रेस की साख चली गई और अब जनता प्रदेश से कांग्रेस को चलता कर देगी। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है। अब ये कांग्रेस का आया है, वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। ये दूसरा विषय जो आप सबके ध्यान में या आपके ध्यान के माध्यम से, ये चलो चलो में ही 28 विधायक चले गए थे कांग्रेस, ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी, ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी। जनता कांग्रेस के अब चलो चलो और जाने का समय आ गया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि दलितों के हितैषी बनने वाली कांग्रेस की यात्रा में एक भी दलित चेहरा नहीं है और लाडली बहनों से इतनी चिढ़ है कि एक भी महिला नजर नहीं आ रही है। कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार के मेडल लिए हुए है, इन्होंने कुत्तों के भी ट्रांसफर किए हैं। अब वो यात्रा में आप देखो कि एक भी दलित चेहरा नहीं है, यात्रा में आप देखिए एक भी महिला चेहरा नहीं है। मलाई दोनों भाई खाते, एक भी दलित नहीं है, बहुत बड़े दलितों के हितैषी बनते, एक भी महिला नहीं है। लाडली बहनाओं से इतनी चिड़काए को है, इससे आप कांग्रेस की यात्रा को समझ सकते हैं कि इस तरह से किस तरह से ये यात्रा निकाल रहे हैं। थोक बंद तबादले किए, थोक बंद कमलनाथ जी ने, भ्रष्टाचार ऐसा मचा और यहां तक कि कुत्तों के ट्रांसफर कर दिए, ऑर्डर है कुत्तों के ट्रांसफर के कमलनाथ जी की सरकार के। ये भ्रष्टाचार के मेडल लगाए हुए हैं, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या स्थिति है इनकी। कांग्रेस की यात्रा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी नकल कर रही है जिसके खिलाफ जनता का आक्रोश यात्रा निकालेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चचा जान दिग्विजय सिंह की साजिश है, कमलनाथ को चारों तरफ से घेर लिया है। आक्रोश तो मूल रूप से जनता इनके खिलाफ निकालेगी, हम आशीर्वाद के लिए गए, नकल कर रहे हैं। हमने जब लाडली बहना को 1000 रुपया किया तो ये 1500 लेके आ गए। हमारी यात्रा की जो सफलता मिल रही है अपार, तो सोच रहे हैं कि ये भी शायद आक्रोश के नाम पे, पर जनता बहुत आक्रोशित है। किसान धोखे से, नौजवान धोखे से, मातृशक्ति धोखे से, सभी लोग इस वक्त कांग्रेस के प्रति आक्रोश लिए बैठे। देखिए घेर लिया है चारों तरफ से कमलनाथ जी को, ये चचा जान की साजिश है और यही कारण है कि पिछले एक साल पहले से कह रहे थे टिकट जल्दी घोषित करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।